वेलकम बैक विद अनदर कन्फ्यूजिंग वर्ड्स। आज के दो वर्ड्स जो कन्फ्यूजिंग वर्ड्स है वो है लूज, एल डबल ओ एस ई लूज एंड एल ओ एस ई लूज। इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है और इसकी उर्दू या हिंदी मानी क्या है, पहले देख लेते हैं एल ओ एस एल डबल ओ एस ई लूज। इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव और उर्दू या हिंदी की मानी इसकी है ढीला। सेंटेंसेस हम इसका किस तरह बना सकते हैं, द नोट इज टू लूज। ये गहरा बहुत लूज है या ढीला है। आपने कोई चीज बांध ली है और वो कोई देख लेता है, उसे चेक कर लेता है और वो आपको कहता है कि द नोट ये गहरा इज टू लूज, ये काफी ढीला है। सेकेंड वन क्या है, लूज। इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच है वर्ब और उर्दू या हिंदी मानी इसकी क्या है, खो देना कोई चीज। और इसकी सेंटेंस हम किस तरह बनाएंगे, बी केयरफुल, डोंट लूज द की। बी केयरफुल, डोंट लूज द की, एहतियात से, डोंट लूज द की, चाबी को मत देना। आप ये भी कह सकते हैं बिकॉज वी हैव जस्ट वन की। बी केयरफुल, डोंट लूज द की, बिकॉज वी हैव जस्ट वन की, कि हमारे पास सिर्फ एक ही चाबी है तो इसका ख्याल रखना, कहीं को मत देना। लूज वर्ब और उर्दू मानी खो देना, लूज एडजेक्टिव उर्दू या हिंदी मानी ढीला, द नोट इज टू लूज ये गहरा काफी ढीला है, बी केयरफुल डोंट लूज द की एहतियात से ध्यान से, डोंट लूज द की या चाबी को खो मत देना, बिकॉज वी हैव जस्ट वन की, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही की है।